कोरोना वायरस की ताजा लहर, पाकिस्तान सुपर लीग पर खतरात के बादल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 के इनकार पर कोरोना की हालिया लहर की वजह से खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक PSL को शेड्यूल के मुताबिक कराने के लिए PCB ने हुकूमती सतह पर रابطे शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करना शुरू हो गया है ताकि पाकिस्तान सुपर लीग को बार बार और कामयाब कराया जा सके। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक ही वेन्यू पर कराए जाने के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। टूर्नामेंट का जो आगाज है पहले कराची में होना है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर गौर कर रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज लाहौर से करा दिया जाए और कराची में मैचेस बाद में करा दिए जाएं। याद रहे कि कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस इसकी वजह है। जरा का कहना है कि सिंध हुकूमत भी पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज लाहौर से कराने की ख्वाहिशमंद है। अगर एक वेन्यू पर PSL कराने का फैसला हुआ तो लाहौर फेवरेट वेन्यू होगा और पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस फिर लाहौर में होंगे। अभी इसका बाज़ाब्ता फैसला तो नहीं हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग से मुतल्लिक हतमी फैसले के लिए मुसलसल मुशावरत का सिलसिला जारी है। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने हुकूमती सपोर्ट के लिए रابطे शुरू कर दिए। ख्याल रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 27 जनवरी को होना है और मुल्क में कोरोना केसेज में इजाफा हो रहा है। कराची में कोरोना मुस्बत आने की शरह 15% तक पहुंच चुकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल होगी और उम्मीद करते हैं कामयाब और बेहतरीन होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। आई लव यू प्यारा पाकिस्तान।